हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ज़रूर आपने प्रार्थना तो किया होगा। किसी न किसी विषय को लेकर आपने प्रार्थना ज़रूर किया होगा। किसी ने अपने परिवार के उन्नति के लिए प्रार्थना किया होगा, हो सकता है किसी ने अपने नौकरी के लिए प्रार्थना किया होगा, किसी ने अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना किया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना किया होगा। तो हर तरह से कभी ना कभी आपने कोई ना कोई चीज़ के लिए प्रार्थना ज़रूर किया होगा। लेकिन क्या आपके प्रार्थना का उत्तर हर बार आपको मिला है? तो कुछ लोगों का उत्तर, उसके प्रार्थना को उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों के प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता है। वो बार बार प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रार्थना का कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता है। और धीरे धीरे होता क्या है, जब आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है, तब आप निराश होने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता है आप, या फिर प्रार्थना सही से नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके मन में आने लगती हैं, और ऐसे में धीरे धीरे आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो कि एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही गलत बात है, एक मसीह व्यक्ति के लिए सही नहीं है। एक मसीह व्यक्ति को बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसे काम हैं जो हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं दोनों कामों की वजह से ही आप प्रभु के साथ बने रह सकते हैं और यीशु के आगमन के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपके प्रार्थना करने के बाद भी कई बार आपके प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलता है, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको जाँचने की ज़रूरत है, कैसे आप पता लगाएंगे कि आपकी प्रार्थना सही है या गलत है, प्रार्थना करने के बाद आपको किन चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए ताकि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिले। ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, किसी चीज को पाने के लिए, या अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, प्रभु में आगे बढ़ना है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी आप पाप से दूर नहीं हो पा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे, बल लगा रहे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इन वचनों को पढ़कर, इन्हें समझकर अपने जीवन में अगर आप लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर आपको जरूर देंगे, और परमेश्वर में बढ़ने में आपकी सहायता भी होगी। तो सारी बातों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, बहुत ध्यान पूर्वक से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले कुछ बातें बाइबल के वचनों से हम देखेंगे, और खास करके परमेश्वर के वचन से पढ़कर हम उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 5 आयत से लेकर कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई बार क्या होता है कि आप प्रार्थना तो कर रहे होते हैं किसी भी विषय को लेकर कि परमेश्वर मुझे इन चीज़ों में आगे बढ़ना है, परमेश्वर आत्मिकता में आगे बढ़ना, परमेश्वर मेरे परिवार में आशीष आने पाए, परमेश्वर मेरे परिवार में जो भी ज़रूरत है पूरी होने पाए, इन सबको परमेश्वर के सामने आप ज़रूर रख रहे हैं, लेकिन करते क्या हैं, प्रार्थना करने के बाद आप अपने बुद्धि से चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। आपने प्रार्थना किससे किया, परमेश्वर से, लेकिन उन कामों को कैसे कर रहे होते, अपनी सोच विचार के अनुसार। यानी कि प्रार्थना में तो आपने कहा, प्रभु आपके ऊपर है, आप मेरे जीवन में ये काम कर दीजिए, लेकिन प्रभु को काम करने का मौका ही नहीं देते, खुद के बुद्धि का सहारा लेते हैं, उस पर विश्वास ही नहीं करते, इंतजार नहीं करते प्रार्थना करने के बाद कि परमेश्वर को समय मिले, परमेश्वर को जो समय के अनुसार चीजें होने पाए। आपने प्रार्थना किया और उसका तुरंत आप क्या करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेकर उन चीजों को काम करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि एक तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता, और उसके ऊपर अगर आपने किसी चीज को हासिल भी कर लिया, तो बाद में आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद वो विषय आपका काम बन जाता है, लेकिन बाद में उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने प्रार्थना तो किया था परमेश्वर से, लेकिन आपने खुद ही उन चीजों को आप बुद्धि के अनुसार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से
हुआ ये कि परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं हुआ और उल्टा ही कुछ और हो गया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी प्रार्थना करें और आप अगर चाहते हैं कि उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से आपको मिले, तो आप इंतज़ार कीजिए और अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए। अपने मन में कुड़कुड़ाइए मत कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया पर पता नहीं परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह कुड़कुड़ाइए नहीं, परंतु संपूर्ण मन से, वचन क्या कह रहा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, पूरे दिल से, हाँ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि यदि प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो प्रभु हमारे उन प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। पूरी तरह से आपको विश्वस्त रहना उस विषय को लेकर। और आगे 6 आयत में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। वचन में कहता है कि उसी को स्मरण करके, यानी कि परमेश्वर के स्मरण करके सारा काम करना, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन होता क्या है, आपने प्रार्थना कर लिया लेकिन जो काम आपको होना है उसके लिए आप अपना टेढ़ा मार्ग निकालते हैं, ना। एक व्यक्ति को मान लीजिए, एक नौकरी के ऊपर किसी ने प्रार्थना करा, आप एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता, किसी को नौकरी चाहिए, अगर वो परमेश्वर से प्रार्थना करे प्रभु मुझे एक अच्छी नौकरी दीजिए ताकि मैं अच्छे से जॉब कर सकूं, मुझे आपके ओर से मिलने पाए, इस विषय के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, अचानक से उसके पास किसी का फोन आता है कि ब्रदर आपके लिए नौकरी है, आ जाइए आपको नौकरी में लगा देंगे, तो आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु धन्यवाद मुझे एक नौकरी मिल गई है, और आप जाएंगे उस नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए। जैसे आप उस इंटरव्यू के पास पहुंचेंगे तो बताएगा कि अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको घूस देना पड़ेगा, यहां पर आपको कुछ हजार रुपए देने पड़ेंगे, कुछ हजार रुपए अगर दोगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। आप में दिमाग में क्या आएगा, हाँ ये परमेश्वर ने दिया है, कोई बात नहीं, यहां कुछ हजार रुपए दे देता हूं और नौकरी ले लेता हूं। और आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उस हजार रुपए देकर, 2000 जितना भी मांगा देकर आपने नौकरी ले लिया, क्या ये परमेश्वर की ओर से? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी गलत तरीके से आपके जीवन में कुछ भी नहीं लेके आएगा। इसीलिए अपनी सोच विचार के अनुसार मत करिए, संपूर्ण भरोसा उस पर रखिए, उसको स्मरण करिए। जो भी काम करने जाते हैं, प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, नौकरी के लिए जा रहा हूं या किसी और के लिए जा रहा हूं, प्रभु आप सीधा मार्ग निकालिएगा, मैं वहां जाकर कोई गलत तरीके से चीजों को प्राप्त करना नहीं चाहता हूं। अगर कोई गलत तरीके से आपको दे भी रहा है तो भी आपको मना करना है ताकि आप प्रभु पर आश्रित रह सको। जब आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लगाकर चीजों को करने की कोशिश करते हो तभी सारे काम बिगड़ने लगते हैं, बाद में आपको उसका बहुत ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए प्रभु कह रहा है, सारे काम करने से पहले मुझे स्मरण कर, उसे स्मरण कर यहोवा को, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग अगर आपके लिए बनता है आप उस मार्ग पे मत चलिए। कोई भी गलत काम करने के लिए अगर आपका मन कह रहा है उसको मत करिए, इंतजार करिए, सही समय आने पर वही चीज परमेश्वर आपके लिए सही रीति से कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहोवा पर भरोसा करना है संपूर्ण मन से, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना के साथ साथ खुद की बुद्धि लगाकर काम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो काम बन तो जाता है लेकिन उसके फलस्वरूप आपको उसका बुरा ही मिलता है। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पाए हैं कि प्रार्थना करने के बाद भी अगर आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है या हो भी रहा तो गलत हो रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। तो आज से ही इन वचनों के अनुसार अपना भरोसा परमेश्वर पर लाइए और प्रभु से फिर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं जो चीज़ें नहीं जानता था आज मैंने जान लिया है कि प्रार्थना के साथ साथ आपके ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, तभी उस प्रार्थना का असर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैं आपको बताने वाला था वो यही है कि विश्वास करें प्रभु के ऊपर, प्रार्थना के साथ साथ विश्वास उस पर बनाए रखें, सही समय आने पर परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेंगे, और जब परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा तो वो सीधा मार्ग होगा, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं होगा। तो परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।